प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने एक साथ मिलकर पिछले साल कोरोना वायरस को हराया था और भारत इसे फिर से समान सिद्धांतों लेकिन तेज गति और समन्वय के साथ हरा सकता है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि प्रशिक्षण, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। प्रारंभिक प्रशिक्षण और उचित ट्रैकिंग मृत्यु दर में कमी ला सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। देश में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में 2,60,000 24 घंटे में मामले सामने आए, वहीं 1,500 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,000 मामले सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 27,334 नए मामले सामने आए। एक दिन में 5,944 केस लखनऊ में दर्ज किए गए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में दिल्ली में 166 मरीजों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,757 मामले सामने आए, वहीं एक दिन में 37 लोगों ने जान भी गंवाई है। यूपी में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरा प्रदेश लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान बाजारों और अन्य जगहों को किया जाएगा सैनिटाइज। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से एक सेफ्टी टैंक बरामद किया गया है, जिसमें लगभग 5,00,000 रुपए की कीमत वाली 85 पेटी हरियाणा मार्ग की अवैध शराब। महाराजगंज में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कई होटल और ढाबों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान होटल से नेपाली शराब की बरामदगी हुई है और मौके से एक युवक को हिरासत में लिया गया। कानपुर में कोविड नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। आदेश के बाद भी नहीं रुक रहा धार्मिक आयोजन। रामलीला के नाम पर हो रहा अश्लील डांस। कानपुर के चकौरी थाना इलाके में मोबाइल चोर को तालिबानी सजा मिली है। चोर के पैर बांधकर जमकर पिटाई की गई। संबल प्रशासन नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक नियमों का पालन कराया जा रहा है। नियमों में पालन करने के लिए एसडीएम, सीओ और थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। जालौन में चुनाव प्रचार की गाड़ियां पर चला प्रशासनिक हंटर। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलटी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। एनडीए परीक्षा को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र में अनुमति मिलेगी। कोविड की नई गाइडलाइंस को लेकर आप पार्टी का कार्यक्रम स्थगित। उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे केजरीवाल। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में होना था कार्यक्रम। 54 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री हरक सिंह रावत के आश्वासन पर वापस ली गई हड़ताल। चमोली में कार खाई में जा गिरी। हादसे में अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कार में 5 लोग सवार थे।